जुदाइयां तेरी बने सजा मेरी, राज दिल है हमनवा तू आरज़ू मेरी, मेरे वजूद में आग सी लगी, राज दिल है हमनवा तू जुस्तजू। बिट्टो, इसीलिए कोई है जो आपको अपनाना चाहता है, इस कड़ी धूप में घना साया बनकर आपका साथ देना चाहता है। आपने बहुत कुछ किया हमारे लिए, आपके बहुत एहसान है हम पर, और मुझे पता है मुझे अपनी जिंदगी कैसे गुजारनी। क्यों छोड़ गया वो तुम्हें? क्या सुनना चाहते हो? क्यों करते हो मुझसे बार बार ये सवाल? मैं अपने माजी को खुरच के बहुत आगे निकल गई, मत धकेलो मुझे संधेरे में से जहां मैं बहुत मुश्किल से वापस आ गई। तुम्हारे अख्तियार में तुम्हारा फैसला है और सरमत का फैसला? सरमत के अख्तियार में सरमत का फैसला, सरमत का फैसला उजाला है। तुमने बिट्टो को बताया कि तुम मेरे साथ आ रही हो? बता दिया था। तो उसको भी ले आती? उसको लेकर आती तो जो काम मैंने उसे दिया है वो कौन करता? जिस दिन तुम्हारे बॉस को पता चल गया ना कि तुम अपना सारा काम जूनियर से करा रही हो, उस दिन तुम्हारी छुट्टी। हो ही नहीं सकता। मेरे बॉस को पता है कि मेरे जैसी हार्ड वर्किंग लड़की उन्हें कभी भी नहीं मिलेगी। उफ, मिस हार्ड वर्किंग लड़की, जब मैं आपको रोज रोज ऐसे लेने आऊंगा तो फिर तो हार्ड वर्क नहीं रहेगा, फिर तो छुट्टी हो जाएगी। एक्सक्यूज मी, मैं जॉब नहीं छोड़ने वाली हूँ। लेकिन शादी के बाद तो छोड़नी पड़ेगी। ओह माय गॉड, तुम कितने कंजर्वेटिव हो। हाँ, वो तो मैं हूँ। मतलब आई कैन बिलीव दिस। क्या हुआ, मुझसे शादी करने का फैसला बदलने का सोच रही हो? मैं कुछ भी सोच सकती हूँ, मगर तुमसे शादी करने का फैसला कभी नहीं बदल सकती, याद रखना। तो फिर एक काम करते हैं, सारे प्लान्स ड्रॉप, आज से शादी की शॉपिंग शुरू करते हैं। अभी? आज? आज से नहीं बल्कि अभी से। चलो, लेट्स डन, कम ऑन, लेट्स गो टू दिस रियली नाइस मॉल। तू ही दिल की जमीन, तू मेरा आसमान, तेरे बगैर जी सकूं ये मेरे बस में कहां। हम सफर है जो साथ है जो रवा, अकेले सांस ले सकूं ये मेरे बस में कहां। जुदाइयां तेरी बने सजा मेरी, राज दिल है हमनवा तू आरज़ू मेरी, मेरे वजूद में आग सी लगी, राज दिल है हमनवा तू जुस्तजू। Yeah.
तबीयत तो ठीक है आपकी? जी अल्लाह का शुक्र है मैं ठीक हूँ। पता नहीं क्यों मुझे ठीक नहीं लग रही। नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और आप इस तरह यहाँ ना आया करें। आपको याद है कि आपने कहा था कि आप मेरे एहसानों का बदला लौटाना चाहती, तो आज आप मेरे एहसानों के बदले में मुझ पर एक एहसान और कर दीजिए। मतलब ये कि मैं तुम्हें अपनाना चाहता हूं, इज्जत देना चाहता हूं। क्या तुम जिंदगी भर मेरा साथ निभाओगे, मेरा हाथ थामोगे? डॉक्टर साहब आपने देखा था कि मैं बिल्कुल, अम्मा की अचानक तबीयत खराब हो गई, हॉस्पिटल के सारे बिल्स भी उसी आदमी ने दिए थे, लेकिन वो आदमी बहुत घटिया है। मैं उसके पैसे उसको वापस करना चाहती हूँ, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप मुझे कुछ कर्ज दे दें तो मैं उसको लौटा दूँ। जी आइए। उजाला। हेलो बिट्टो, क्या हुआ? तुम्हारी एप्लीकेशन आई भी है, तबीयत खराब है क्या? हाँ तबीयत ठीक नहीं है मेरी। तो तुमने दवा खाई? हाँ ली है। उजाला मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। हाँ बोलो। यहाँ नहीं, क्या तुम मेरे घर आ सकती हो? जरूर आ सकती हूँ, बल्कि मैं लंच टाइम में ही आती हूँ। लेकिन बताओ तो सही बात क्या है? यहाँ होगी तो बताऊंगी, फोन पे नहीं बता सकती। ठीक है मैं आती हूँ। ना बेटा ना, अल्लाह ने तुझे इतनी बड़ी खबर दी है, औलाद की नेमत से नवाज रहे, और तू रो रही है। भाई अनवर को दी, कितना खुश है वो, पूरे गांव में मिठाई बांटने के लिए निकला हुआ है। अम्मा होती तो वो भी पीछे नहीं हटती। चाची मुझे अम्मा की बहुत याद आ रही है। हाय हाय, बड़ी आरजू थी, बड़ा इंतजार था इस दिन का पीने को, पर अल्लाह के काम में कौन दखल अंदाजी कर सकता है। चल चल उठ बेटा उठ, शाबाश, अब ये रोना धोना बंद कर, अपनी सेहत का ख्याल रख, खुश रह, सेहतमंद बच्चा हो तो ले जाना अपनी माँ की कब्र पर, उसकी रूह को खुशी होगी। बिट्टू को खबर दी? नहीं, उसे अभी बताती हूँ। नहीं नहीं अभी नहीं, बहन की रोती आवाज सुनेगी तो उसका दिल बुरा होगा। चल उठ शाबाश, पहले मुंह हाथ धो, कुछ खा पी ले, फिर करती रहना बहन से बातें। चल नरगिस आ मेरे साथ आ, कुछ अच्छा सा बनाकर भेजती हूँ अपनी बेटी के लिए। तुम्हारी तबीयत इतनी खराब है, तेज बुखार हो रहा है, और तुम मुझे कह रही थी कि कुछ भी नहीं हुआ। दवाई खाऊंगी बुखार उतर जाएगा। अच्छा मुझे तुमसे एक काम था। पता नहीं तुम क्या सोचोगी। मैं कुछ नहीं सोचूंगी, मैं क्यों बुरा मानूंगी, प्लीज बोलो। मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। कितने? 2 लाख रुपए। बस सैलरी मिला करेगी ना, तो मैं खाने पीने के और घर के किराए के पैसे अलग रख के बाकी सारे तुम्हें दे दिया करूंगी। अगर तुम ऐसा करोगी तो फिर तो मैं तुम्हें पैसे नहीं दे पाऊंगी। उजाला मुझे तसल्ली ही उस वक्त होगी जब मैं तुम्हारी पाई पाई लौटा दूंगी।
अगर तुम ऐसा सोचती हो तो फिर तो मैं तुम्हें पैसे दूंगी। तुम नहीं दोगी तो मेरा है ही कौन, किससे मांगूंगी, कहाँ जाऊंगी? कहीं जाने की जरूरत नहीं, मैं ही दूंगी तुम्हें पैसे, मैं पैसे लेकर आती हूँ सब, लेकिन एक शर्त पर। यही ना कि तुम पाई पाई लौटा दोगी। और तुम इनकार नहीं करोगी? नहीं करूंगी। तुम आराम करो, कुछ खाओ पियो, मैं पैसे लेकर आती हूँ थोड़ी देर में। थैंक यू उजाला। हेलो बिट्टू, तू खाला बनने वाली है? मैं खाला? अब तो तू गांव आएगी ना? हाँ जरूर आऊंगी, अपने गुड्डे या गुड़िया के लिए बहुत सारे खिलौने लेकर आऊंगी, और शाहजाद सारी तैयारियां मैं करूंगी, हर चीज करूंगी, तुम सिर्फ आराम करना। इससे बड़ी खुशी मेरे लिए और कुछ है ही नहीं। तुझे पता है अनवर बहुत खुश है, उस पागल ने तो पहले से ही नाम सोच रखे हैं। मेरी तरफ से अनवर भाई को बहुत मुबारक देना, अल्लाह तुम्हें बहुत खुश रखे। अपना ख्याल रखना शाजो आपा, खुदा हाफिज। ये मेडिसिन मैंने लिख दी और इस पे किस तरह खाना है वो भी लिख दिया। ठीक है। उसे बुखार था, पता नहीं कैसी हालत होगी उसकी, मुझे इस तरह एकदम से नहीं कह देना चाहिए था, शायद मैंने गलत कर दिया, क्या करूं। तुमने सरमद को तो नहीं बताया ना? मेरी उससे मुलाकात ही नहीं हुई, और अगर होती भी तो कभी भी नहीं बताती, क्योंकि मैं जानती हूँ ये बात तुम्हें बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी। थैंक यू सो मच बिट्टू। उस वक्त तो मैंने तुमसे नहीं पूछा था, तुम बहुत परेशान थी, और मैं पैसों की वजह से बिल्कुल नहीं पूछना चाह रही हूँ, मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही है। तुम्हें इतने पैसों की जरूरत अचानक, सब ठीक है ना? किसको देने हैं पैसे, कुछ तो मुझे बताओ, तुम किसी मसले में तो नहीं हो? डॉक्टर खालिद को। उन्होंने मांगे हैं तुमसे? मैंने उनका एहसान उतारना था, लेकिन उससे पहले उन्होंने बदला मांग लिया। ब्लैकमेल कर रहे हैं क्या वो तुम्हें? नहीं, वो बहुत अच्छे इंसान है, मैं एक दफा के कहने पर उन्होंने मेरी मदद की, अम्मा का बहुत ख्याल रखा, मुझे किसी भी किस्म की कोई कमी महसूस नहीं होने थी, पर लेकिन क्या, उन्होंने मुझे शादी के लिए प्रपोज कर दिया। क्या? मैं जितना भी उन्हें जान पाई हूं, मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छी बात है, तुम्हें उनसे शादी कर लेनी चाहिए। मेरे लिए ये बात नामुमकिन है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। क्यों नहीं कर सकती हो तुम? जहां से मैं देख रही हूं, मुझे ये नजर आ रहा है कि ये बहुत अच्छी बात है, तुम्हें उनसे शादी कर लेनी चाहिए। खुशकिस्मती ने तुम्हारे दरवाजे पे दस्तक दी है, शुक्री मत करो। अगर तुम मुझसे पूछोगी ना तो मैं तो तुम्हें यही कहूंगी कि हाँ कर दो।
बेटा बहुत जल्दी में थी वो, आई कबर्ड से पैसे कुछ लिए और चली गई। कहाँ गई होगी रानी? कह रही थी कि बिट्टो के पास जा रही हूँ। पैसे लेकर बिट्टो के घर गई, क्या जरूरत पड़ गई होगी बिट्टो को? मैं क्या कह सकती हूँ, अरे आप आइए। बैठिए, सब खैरियत है ना? जी सब ठीक है, मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? अरे नहीं नहीं, ऐसी कैसी बात। डॉक्टर साहब आप बहुत अच्छे इंसान हैं और मैं आपका एहसान कभी नहीं उतार सकती। आप मेरे एहसास को जज्बात का एहसान समझती रही, लेकिन दर हकीकत ऐसा नहीं। आपकी नेकी थी, आप बहुत नेक इंसान हैं, मैं समझती हूँ। आपने अम्मा का दिलो जान से इलाज किया और बहुत ख्याल रखा हमारा। बस अगर आपकी अम्मा की जगह किसी की भी माँ होती तो आप यकीन माने कि मैं उनका इलाज ऐसे ही करता। आप बहुत अच्छे हैं डॉक्टर साहब, मैं आपका एहसान कभी नहीं भूल सकती। छोड़े इन बातों को, मुझे आपके कुछ टेस्ट वगैरह करवाने होंगे। शक्ल देखी आपने? आप मेरी फिक्र मत करें, मैं ठीक हूँ। बल्कि याद है आपने तो कहा था कि मैं बहुत मजबूत हूँ, मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ। खुदा हाफिज़। अरे आप बात तो सुने। प्लीज उजाला, अब मुझसे कुछ मत छुपाना, जो हकीकत है मुझे सब बता दो। बेटों को 2 लाख रुपए डॉक्टर खालिद को वापस करने थे। तो क्या डॉक्टर खालिद उसको फीस के लिए परेशान कर रहा था? नहीं, एक्चुअली जब बेटों की अम्मी की तबीयत खराब थी तो उसको अपनी अम्मी को हॉस्पिटल में एडमिट करवाना था। उसने डॉक्टर खालिद से उधार पैसे ले लिए, वो ज्यादा देर उनका एहसान अपने सर पर रखना नहीं चाहती थी। बस अब जब आंटी ही नहीं रही तो डॉक्टर खालिद बुरे इंसान नहीं है, उनकी नीयत खराब नहीं है, मैं तुम्हें बता रही हूँ ये बात। तुम कहना क्या चाहती हो? डॉक्टर खालिद बिट्टू से शादी करना चाहते हैं। और बिट्टू ने क्या कहा? नहीं करना चाहते वो, मगर हम उसके दोस्त हैं ना सरमन, हम उसको कन्विंस करेंगे। डॉक्टर खालिद अच्छे इंसान है, मैं जानती हूँ उन्हें, मिली हुई हूँ मैं उनसे। उसको उनके बारे में सोचना चाहिए और मुझे लगता है कि उसको उनसे शादी करने के लिए हाँ कर देनी चाहिए। देखो हमें बिट्टू की बेहतरी देखनी है, बिट्टू की जिंदगी उनके साथ बहुत अच्छी गुजर सकती है। हम उसको मनाएंगे मिलकर, उसको मानना पड़ेगा क्योंकि ये उसकी अपनी जिंदगी के लिए बहुत अच्छा होगा, है ना? और वैसे भी मैं उनको जानती हूँ और मैं तुम्हें भी उनसे मिलवाऊंगी, तुम्हें मिलकर अंदाजा होगा कि मैं अभी तुम्हें क्या कह रही हूँ, तुम्हें अच्छे लगेंगे वो। तेरे बगैर जी सकूं ये मेरे बस में कहां। हम सफर है जो साथ है जो रवां, अकेले सांस ले सकूं ये मेरे बस में कहां। जुदाइयां तेरी बने सजा मेरी, राज दिल हमनवा तू आरज़ू मेरी, मेरे वजूद में आग सी लगी। अभी हूँ बिट्टो के पास, तुम अगर जाना चाहो तो
चले जाओ। जब तक बिट्टो पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती ना, मैं यहां से कहीं नहीं जाऊंगा। इसकी हालत तो देखो यार, क्या हो गया इसको। उसकी तबीयत बहुत खराब थी। कोई तबीयत खराब नहीं, उसे बहाना होता है। बहाना नहीं है, मैं तुम्हें बता तो रही हूँ, मिलकर आई हूँ मैं उससे। शदीद बुखार में तप रही थी वो। खैर अगर तुमसे नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, मैं कर लूंगी, और अगर ज्यादा देर रुकना पड़ा तो मैं रुक भी जाऊंगी, मसला नहीं है। असल में मैं कर लेती हूँ। थैंक यू अम्मा। हिम्मत करो बेटो, प्लीज खुद को संभालने की कोशिश करो। मैं अभी थोड़ी देर में तुम्हें हॉस्पिटल ले जाऊंगा, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। अम्मा बाबर कहाँ है बेटो? सरमद, सरमद आराम करो बेटो, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। मैं यही हूं तुम्हारे पास, मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। नहीं जाना, आराम करो। नहीं जाना। पता नहीं मेरे दिल में क्या आई, मैं यहाँ चला आया। क्या बेटो वाकई नहीं जानती कि बाबर कहाँ है? नहीं, इसको नहीं पता। तुम ये बात इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हो? नजरें चुरा के शायद इसकी जबान झूठ बोल सकती, लेकिन इसके आंसू कभी झूठ नहीं बोल सकते। मैं अभी हूँ बिट्टो के पास, तुम अगर जाना चाहो तो चले जाओ। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। जब तक बिट्टो पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती ना, मैं यहां से कहीं नहीं जाऊंगा। इसकी हालत तो देखो यार, क्या हो गया इसको, उठ तो सकती नहीं मिस्टर से। मैं कहीं नहीं जाऊंगा। कुछ भी नहीं है यार इसके घर में। क्या कर रही हो? मैं देख रहा हूँ कि कुछ खाने को मिल जाए तो बिट्टो को खिला दूँ, लेकिन यहाँ तो कुछ है ही नहीं। मैं ऑलरेडी चेक कर चुकी हूँ, कुछ भी नहीं। मम्मी कैसे रह रही है लड़की, अजीब हालत है घर की। तुम एक काम करो, उसका ख्याल रखो, मैं बाहर से कुछ खाने को ले आता हूँ, ठीक है ना? इसको फन वन भी करो इसको। अरे तुम यहाँ? काफी देर से हो यहाँ पर। सरमद भी आया था। तुम्हारी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, बेहोश हो गई थी तुम, बहुत परेशान हो गए थे हम। मैं ठीक हूँ अब, तुम उठ जाओ। चले जाएंगे अब, अल्लाह का शुक्र है तुम्हारी तबीयत भी बहुत बेहतर है। भूख लग रही होगी ना?
कुछ खास नहीं लग रही होगी। मैं कुछ खाने के लिए लाती हूँ, तुम आराम करो। लेट जाओ, पीछे टेक लगा के ले जाओ। तुम लोग मेरे मसलों में मत पड़ो, पड़े तो मेरे मामलात में उलझते चले जाओ। तुम हमसे अलग नहीं हो बेटो। उजाला ने बताया तुम दोनों की शादी की डेट फिक्स हो गई। हाँ। तुम लोग के पास वक्त कम होगा ना, प्लीज अपनी तैयारियां करो और जाओ यहाँ से। मेरे लिए परेशान मत हो, मैं ठीक हूँ। तुम्हारे लिए कैसे परेशान, और तुम्हारी हालत भी तो ऐसी ही है। मैं ठीक हूँ, मेडिसिन ले रही हूँ और वो असर भी कर रही है, और एक आध दिन में ऑफिस भी जाना शुरू कर दूंगी। अकेली यहाँ रहोगी तो ना रेस्ट कर सकोगी और ना बेहतर होगी। मेरा तो ख्याल है कि हमें इसे अपने साथ ले चलना चाहिए। उजाला तुम दो दिन बेटों को अपने घर में रख लो। हाँ ठीक है ना। नहीं मैं कहीं नहीं जाऊंगी। प्लीज बेटो जिद मत करो, मैं तुम्हें इस हाल में नहीं देख सकूंगा। सरमत तुम जिद मत करो, मैं ठीक हूं। तुमसे बोला तक तो जा नहीं रहा, मैं शर्त लगा सकता हूं कि तुम यहां से बगैर सहारे के बिस्तर तक नहीं जा सकती। हाँ ठीक हो? अब ऐसा भी नहीं है। मुझे बेवकूफ मत बना, चलो उठो, चलने की तैयारी करो। मैंने कह दिया ना मैं नहीं जाऊंगी। उजाला प्लीज तुम इसे समझाओ कि जिद छोड़ दे। सही तो कह रहे हैं, अगर दो दिन के लिए चलोगी तो क्या हो जाएगा, इसे छोड़ दो। खुदा के लिए तुम दोनों एक ही बात पे मत अड़े रहो। मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी। चलो okay. रिलैक्स, नहीं जाना मत जाओ। बिट्टो जिद मत करो, मैं तुम्हें इस हाल में नहीं देख सकूंगा। उजाला इतनी रात हो गई बेटा, सो नहीं रही तुम? नींद नहीं आ रही थी। क्या हुआ? नींद नहीं आ रही मुझे, मैंने सोचा आपके पास आके सो जाती हूँ। अच्छा कल ऑफिस से आओगी ना तो तुम्हारे सर में खूब तेल लगा के मैं मालिश करूंगी। तुम कैसे खुश्क हो रहे सारे तुम्हारे बाल। नानी बोलो, आप मेरी और सहमत की शादी के बाद मामू के साथ यूके चली जाएंगी? हाँ बेटा जाना तो है, और अगर मैं और सरमत भी आपके साथ जाना चाहें तो?
तुम लोगों का जब दिल चाहे तो आ जाना। मेरी और तुम्हारे मामू की नेशनलिटी तो है ना, तुम लोगों को मुश्किल तो कोई भी नहीं होगी। आना तो सिर्फ मैं चाहती हूँ। वैसे मैं सरमत को बोलूंगी तो मना नहीं करेगा मुझे। अगर सरमत मान जाए ना तो मुझे बता देना, मैं तुम्हारे मामू से बात करूंगी तो वो तुम लोगों के वीजे का बंदोबस्त कर लेंगे। तुम दोनों वहां कर रहोगे तो मैं भी मुतमईन रहूंगी, ठीक है ना? अब सो जाओ। शाबाश। गुड मॉर्निंग। ओह हाय, गुड मॉर्निंग। मुझे लगता है आज देर हो जाएगी ऑफिस जाने में। हाँ यार, मुझे तो अभी 15-20 मिनट और लगेंगे। अच्छा फिर मैं चलती हूँ, मुझे तो इम्पोर्टेंट मीटिंग के लिए जाने देर हो जाएगी मुझे। लेकिन लंच पे मुझे कॉल करना नहीं भूलना। फोन तो करूंगी मगर मुझे ऑफिस से सीधा आना है, यहाँ पर कुछ जरूरी बात करनी है तुमसे। क्या बात करनी? अभी बता दो। बात बताऊंगी ना बाद में। प्लीज थोड़ा सा तो बता दो हमारे फ्यूचर के बारे में, क्या करना है कैसे करना है ये सब डिस्कस भी तो करना है ना, तो रात में करूंगी आराम से। तो एक काम करते हैं, हम दोनों आज छुट्टी कर लेते हैं, यहाँ बैठ के फ्यूचर की सारी बातें कर लेते हैं। छुट्टी? तुम्हें तो छुट्टी का मौका चाहिए बस, कोई छुट्टी वुट्टी नहीं होगी। हर बात पे नहीं, सिर्फ बात जब तुम्हारी मेरी शादी की हो तब। एक बात पूछू सर मैं? हाँ पूछो। फिर तो हमेशा से ऐसी ही थी क्या? क्या मतलब? मतलब ये कि इतनी ही जिद्दी, इतनी ही अखड़, किसी की बात ना मानने वाली। बिट्टू जिद्दी तो हमेशा से थी लेकिन बदतमीज और अखड़ कभी भी नहीं थी। बिट्टू जैसी लड़की को समझना आसान नहीं है। लेकिन तुम तो उसे बहुत अच्छी तरह से समझते हो ना, है ना? मैं क्या उसे समझता हूँ? समझती तो वो मुझे थी। जहां मेरे जहन में बात आती थी वो फौरन समझ जाती थी। और आज देखो वो किस हाल में है और मुझे खबर तक नहीं। तुम्हें खबर नहीं हुई तो क्या हुआ? तुम और मैं अलग थोड़ी है। मैंने उसके पल पल की खबर रखी है। ये सब बाबर की गलती है, उसने उसको बड़े बड़े ख्वाब दिखाए और शहर लाकर छोड़ दिया। हो सकता है ना सरमत के बाबर की भी कोई मजबूरी हो। मुझे नहीं लगता कि हमें इस कदर बदगुमान होना चाहिए उससे। उजाला, बाबर एक वटेरा है, ऐसे लोगों के पास पैसा और ताकत सब कुछ होता है, ऐसे लोगों की मजबूरियां नहीं होती। अब डॉक्टर खालिद को ही देख लो, कितना इंसिस्ट किया उन्होंने बिट्टो को कि मैं तुम्हारा इलाज करता हूं। वो तो अपनी पूरी जिंदगी उसके साथ गुजारना चाहते थे मगर बिट्टो की जिद। शादी के बाद हम नानी को अपने साथ लेकर चलेंगे ना? हाँ देखेंगे, लेकिन हम अभी ये क्यों बात कर रहे हैं? अभी तो इसमें बहुत दिन पड़े। इतने भी दिन नहीं पड़े सरमन,
कब तक इस टॉपिक से भागते रहोगे? बिट्टू की परेशानी में इतना भी परेशान ना हो कि अपने रिश्ते की फिक्र ही ना रहे तुम। अरे तुम अजीब लड़की हो, कल तक तो तुम मेरे पीछे पड़ी हुई थी कि हमें बिट्टू का अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, उसका साथ देना चाहिए, और आज उसके नाम से तुम्हें घबराहट हो रही, परेशान हो रही हो तुम, बल्कि तुम्हें चिढ़ आ रही। मैं चिढ़ नहीं रही हूँ, बल्कि हकीकत बयान कर रही हूँ। कब तक इस टॉपिक से भागते रहोगे तुम सरमद? और वैसे भी मैं अपने दिल की बात तुमसे नहीं करूंगी तो और किससे करूं? अरे बाबा, मैंने तुम्हें कब मना किया? मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि हम आराम से तसल्ली से बैठ के बात कर लें, और मैंने तुम्हें सुबह बताया था ना कि मैं छुट्टी करूँगा, तो बस आज सारा दिन बैठ के बात करेंगे। ओके? हेलो जी नानी, आप खाना खा लीजिए। बाकी की तफसील मैं आपको घर आकर बताती हूँ। जी ओके, अल्लाह हाफिज़। किसका फोन था? नानी का फोन था। क्या कह रही थी? खाने के बारे में पूछ रही थी। तुमने बता दिया ना कि हम नहीं, तुम। मैं नहीं जाऊंगी। क्यों, तुम नहीं चलोगी मेरे साथ? सरमद, मैं नहीं चाहती कि बिट्टो हम एक साथ खुश देखे और एहसासे कमतरी में मुब्तला हो जाए। तुम कहना क्या चाह रही हो जाना? मैं शायद समझ नहीं रहा। मैं नहीं चाहती सरमद कि हमारी शादी के दिन करीब आ गए और इसमें कोई भी चीज रुकावट बने। बिट्टो जिस तरह की लड़की है, वो हम दोनों को साथ देखकर खुश नहीं हो पाएगी। उसको हमेशा यही लगता रहेगा कि उसने तुम्हें छोड़कर बहुत बड़ी गलती की। मैं रिस्क नहीं लेना चाहती। तुम खुलकर क्यों नहीं कहती जो कहना चाह रही हो? क्या तुम ये कहना चाह रही हो कि बिट्टू कभी हमें एक नहीं होने देगी, कि उसकी नजरें हमारे रिश्ते को खा जाएंगी? मुझे अगर तुम ऐसा सोच रही हो ना, तो सुन लो, बिट्टू की नीयत में कभी खोट नहीं थी। वो जब मुझे शहर छोड़कर गांव गई थी ना, तब भी उसने मुझसे नजरें नहीं फेरी। और गांव जाने के बाद तुमसे नजरें मिलाने के काबिल ही नहीं है। बस कर दो जाला, प्लीज बस करो। अब मैं बिट्टो के बारे में कोई बात नहीं सुनना चाहता। तुम शायद भूल रहे हो शर्मा, वो मैं ही थी जिसने बिट्टो को सहारा दिया था, पर ना मेरा उससे कोई रिश्ता नहीं था। चलो तुम मुझ पर भरोसा करती हो ना, तो प्लीज परेशान मत हो, डरो मत, मैं कहीं नहीं जा रहा। आई वॉन्ट यू टू बी स्ट्रॉन्ग, और मैं चाहता हूं कि तुम बिट्टो को भी हिम्मत दो। अच्छा चलो, अब नानी हमारा वेट कर रही है, तुम जाओ, मैं जल्दी से बेटों को सामान देकर आता हूँ, तुम साथ बैठ के खाना खाएंगे। ओके? कुछ लोग खुलूस और सच्चाई में इतने बुलंद होते हैं कि आप चाहते हुए भी उनकी मेहरबानियों का बदला नहीं उतार सकते।
आज तुम मुझे बता दो कि तुम्हारे दिल और तुम्हारे दिमाग में कौन है। मेरे दिल में आज भी उसी के लिए मोहब्बत है। खुदा के वास्ते उसको अपने दिल और अपने दिमाग से निकाल दो। तुमने ये कैसे समझ लिया कि मेरे दिल और दिमाग में बिट्टो है? मैं सरमद से बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। मैं सरमद के बगैर रह ही नहीं सकती। हम आज और इसी वक्त निकाह करें। जाओ यहाँ से और आज के बाद से मुझे अपनी शक्ल भी मत दिखाना। जुदाइयाँ तेरी बने सजा मेरी, तू ही दिल की जमीन, तू मेरा आसमान, तेरे बगैर जी सकूं ये मेरे बस में कहां। जुदाइयाँ तेरी बने सजा मेरी, राज दिल है हमनवा तू आरज़ू मेरी, मेरे वजूद में आग सी लगी, राज दिल है हमनवा तू जुस्तजू।